आप लोग कैसे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो के अंदर हम एक न्यू प्लेलिस्ट स्टार्ट करने वाले हैं। बेसिकली ये प्लेलिस्ट होगी कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज के ऊपर, कुछ फैक्ट्स के ऊपर, कुछ पुरानी, कुछ न्यू ट्रेंडिंग टॉपिक्स के ऊपर, और रहेगी ये रिलेटेड टू टेक इंडस्ट्री। बेसिकली ये सीरीज जो है वो स्टार्ट करने का पर्पस ये कुछ इंटरेस्टिंग और कुछ डाइवर्सिटी होगी इस चैनल के ऊपर भी, और कुछ टेक इंडस्ट्री के बारे में भी हमें पता चलेगा, पुरानी कंपनीज और न्यू ट्रेंडिंग टॉपिक्स वगैरह के बारे में। और कुछ हम इससे कोशिश ये करेंगे कोई एंड में कंक्लूजन के साथ कोई ऐसी स्किल्स या कोई ऐसी लर्निंग हमारी भी उसके अंदर जो है हमें सीखने को मिले। तो आज हम एक ऐसे फ्रॉड और एक ऐसी स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं जो सिलिकॉन वैली का एक स्टार्टअप है। वैसे तो सिलिकॉन वैली की जो कंपनीज होती है वो इतनी मेच्योर, इतनी टॉप नॉच है कि वहाँ पे एक इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर इंजीनियर को जॉब मिलना इतना मुश्किल है कि आप शायद अपनी आधी जिंदगी निकाल दे तो वहाँ पे आपको जॉब ना मिले। और वहीं का एक स्टार्टअप जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फ्रॉड करके गया। आज हम बात करेंगे थेरानोस कंपनी के बारे में जिसकी फाउंडर है एलिजाबेथ होम्स, जो कि 19 इयर्स की थी जब वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट हुई और उन्होंने अपना एक जो ड्रीम था वो परस्यू किया कि मैं एक मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर एक ऐसी डिवाइस और एक ऐसी प्रोडक्ट लेकर आऊंगी जो मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर आज से पहले कभी नहीं हुआ और वो रेवोल्यूशनाइज प्रोडक्ट होगी। आप सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड से मल्टीपल मेडिकल टेस्ट कर सकते हैं जैसे कि कैंसर, HIV और मुख्तलिफ किस्म के, वो भी विद इन अ मिनट्स, विद इन अ सेकंड्स जो है कर सकते हैं। और ऐसी कोई डिवाइस उनका क्लेम था कि ना तो कभी बनी है और ना ही इससे बेहतर कोई डिवाइस हो सकती है। जो ट्रेडिशनल डिवाइसेस हैं या जो ट्रेडिशनल मैकेनिज्म है उसमें या तो ब्लड बहुत ज्यादा लगता है, उसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है, उसकी रिपोर्ट में इनएक्यूरेसी बहुत होती है। और इस बेस के ऊपर उन्होंने एक अपना स्टार्टअप जो है स्टार्ट किया और उन्होंने जो है अपनी पर्सनल डेवलपमेंट स्किल्स इतनी अच्छी की हुई थी, कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी की हुई थी कि उन्होंने जो है कंपनी की जब फाउंडेशन रखी तो बहुत अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स उसमें हायर किए, बहुत अच्छी अच्छी जो टीम की जो एक फाउंडेशन होती है वो रखी और इन्वेस्टर से उसमें वो सक्सेसफुली कामयाबी हुई फंड्स लेने में। उन्होंने अपनी जो कंपनी की वैल्यूएशन थी वो भी $9 बिलियन तक सेट कर दी। और जबकि उनका ये भी क्लेम था कि हमारी जो कंपनी है वो फाइजर और बड़ी मेडिकल की जो कंपनीज होती हैं उनके साथ कोलैबोरेशन में है, उनके साथ पार्टनरशिप में है, हमारी जो रिपोर्ट है वो फाइजर के थ्रू फाइजर की उसके ऊपर निकलती है लेटर हेड के ऊपर। और कुछ टाइम बाद जाके जो है एलिजाबेथ होम्स उनके जो पार्टनर थे, बिजनेस पार्टनर सनी बलवानी, उनके ऊपर एक मेडिकल कंपनी और एक कुछ ने आर्टिकल्स लिखे कि ऐसी कोई डिवाइस है ही नहीं, ऐसी कोई डिवाइस एग्जिस्ट ही नहीं करती जिसके ऊपर इतना बड़ा क्लेम करके बैठे हमें। तो ये चीजें ट्रायल एंड केसेस चलते रहे और इनएक्यूरेसी आती रही, तो उस पर उनका रिस्पॉन्स यही होता था अपने इन्वेस्टर्स को, अपने फाउंडर्स को, जितने भी उनके साथ को फाउंडर्स थे कि हम इन चीजों को बेहतर करेंगे, इन चीजों को बेहतर बना लेंगे और ये जो है ऐसे प्रोडक्ट है जिसमें टाइम लग सकता है और ये बहुत मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर चेंज लेकर आएगी, जो हमारे कॉम्पिटिटर्स है वो हमें रोकेंगे और इस तरह की बहुत सी बातें। और इस बेस के ऊपर उनको जो है नेक्स्ट स्टीव जॉब्स तक का भी टाइटल मिला, ऑल्दो वो टाइटल उनके साथ काफी टाइम तक रुका नहीं क्योंकि वो सब सारी चीजें एक वेब ऑफ लाइज जिसे कहते हैं कि सब कुछ झूठ के ऊपर ही बेस कर रहा था। और फाइजर ने जब क्लेम किया, फाइजर ने जब केस इनके ऊपर किया कि हमारी कोई कोलैबोरेशन, हमारी कोई पार्टनरशिप इस कंपनी के साथ है ही नहीं, तो हमारे यहाँ कोई इसमें कोई बीच ही नहीं है जिसमें ये हमारे लेटर हेड पे या हमारी चीजों के ऊपर रिपोर्ट बना के देते। इसी तरह जितनी बड़ी बड़ी मेडिकल कंपनीज थी उन्होंने भी यही चीज क्लेम की है। असल में ये सब चीजें इसलिए कर पा रहे थे कि इन्होंने अपने अच्छे कंपनी के अंदर बहुत अच्छे डायरेक्टर्स हायर किए हुए थे, टॉप नॉच डायरेक्टर जिसे कहते हैं, जिससे ऑथेंटिसिटी कंपनी की एक बहुत बड़ी लगे कि कंपनी की वैल्यूएशन देखकर सब बोलेंगे वाह क्या कंपनी है, और इस तरह की जो हाइप क्रिएट इन्होंने मार्केट के अंदर की हुई थी। ये सब चीजें चलती रही 2003 के अंदर इन्होंने फाउंडेशन रखी थी अपनी कंपनी के अंदर, स्टार्टअप जो स्टार्ट किया था, और इतने टाइम बाद 2020 के अंदर 2021 के अंदर जाके जो है फाइनली ये कोर्ट का डिसीजन आया कि ये सब एक फ्रॉड है और एलिजाबेथ होम्स को 20 साल तक की जो है सजा वो मुकर्रर की गई और कुछ $5 बिलियन तक के अप्रोक्सीमेटली जो है इनके ऊपर जुर्माना भी लगाया गया कि जो है वो पे करेंगी। तो ये स्टोरी इसलिए इंटरेस्टिंग मुझे लगी कि सिलिकॉन वैली का एक ऐसा स्टार्टअप जहां पे इतनी वैलिडेशन होती है किसी एम्प्लॉय को हायर करने के ऊपर, वहां पे एक ऐसा स्टार्टअप जिसने इतने साल सर्वाइव कर लिया कि एक झूठ के ऊपर उसने क्या नाम है इतनी बड़ी बड़ी जो है बातें कर दी, इतना बड़ा वैल्यूएशन सेट कर लिया चीजों के ऊपर और एंड में जाके सब कुछ वो कुछ भी निकला सिर्फ एक झूठ और एक फ्रॉड, क्योंकि वो डिवाइस कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। उस डिवाइस के ऊपर जब भी डेमो या कोई इस तरह की चीज होती थी वो सिर्फ एक झूठ था और वो सिर्फ वीडियो टेस्टिंग है, किसी भी तरीके से वो इन्वेस्टर्स को डेमो दिखाते थे
या न्यू आने वाले कस्टमर्स होते थे, कस्टमर्स तक तो कोई प्रोडक्ट कभी पहुंची ही नहीं। इस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्किल्स और आपका वोकल कितना पावरफुल होता है कि आप $9 मिलियन तक की वैल्यूएशन भी सेट करते हैं बगैर किसी को एक्चुअल प्रोडक्ट दिए, सिर्फ एक इमेजेस के अंदर, एक इमेजिनेशन के अंदर वो प्रोडक्ट को दिखाते हुए आप इस तरह से चीजों को डिलीवर करते हो, किस तरह से आप पिच करते हैं अपने आइडियाज को, वो सारी इमेजिनेशन वाली चीजें आप ऐसा बस उनके सामने प्लेट पर रखते हैं कि बस ये प्रोडक्ट मार्केट में आएगी और हमारी कंपनी जो है चार चार लगा देगी। तो बेसिकली ये हमारी स्टोरी का एक कंक्लूजन था। तो यहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और अगर स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी या आपने पहले भी सुनी हुई थी या इसके अंदर कोई वैल्यू एडिशन करना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। कोशिश मेरी होगी कि इस तरह की जो वीडियोस हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड स्टोरीज वाली वो वीकली एक बार अपलोड हो मेरे चैनल के ऊपर। और इसके अलावा कोडिंग के कुछ प्रोजेक्ट्स हो गए और कुछ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट स्किल्स और कुछ सॉफ्टवेयर रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो मैं इस चैनल के ऊपर अपलोड करूंगा। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का वीडियो एंड तक देखने के लिए। इस वीडियो के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।